नमस्कार बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास सेवेंथ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ये साइंस का चैप्टर है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है नेम द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म तो देखिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पूछी गई है किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल यूनिट या फंक्शनल यूनिट क्या होती है तो उसको बोलाता है सेल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में कहा गया है

एयर को ब्रीथ करना इनटेक इनटेक ऑफ एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन ठीक है अब आपको बताना है कि जो 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 हम लोग ब्रीथ करते जो हम लोग लोग करते हैं हैं, हैं लेते है, जो अंदर लेते अंदर वो किस चीज में होती है? तो that is rich in oxygen. तो फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव वी ब्रीद आउट एयर विच इज रिच इन देखिए अभी हम लोग ने की बात करी ये एक्सहेलेशन की बात हो रही है ठीक है एक्सहेलेशन की बात हो रही है एक्लेशन का मतलब क्या होता है एक्सिलेशन का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना और जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो जो एयर निकलती है उसमें क्या चीज ज्यादा मात्रा में होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी देखिए सेल में होता है पहली चीज जो ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का वो कहां हो रहा है सेल में हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है और इस तरीके के रेस्पिरेशन को कहते हैं सेल्युरर रेस्पिरेशन ठीक है तो सेल्यूर रेस्पिरेशन की अगर डेफिनेशन पूछी जाएगी तो बिल्कुल सही डेफिनेशन है इसके बाद कहा गया सेल्युलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म में सेल होता है इसीलिए उनमें क्या होगा सेल्युलर रेस्पिरेशन होगा सी पार्ट में देखिए कहा गया है इन द सेल द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन तो देखिए सेल तो की बात करी गई है तो जो फूड होगा ठीक है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाएगा लेकिन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन नहीं यूजिंग ऑक्सीजन यहां पे विदाउट नहीं होना चाहिए बाई यूजिंग ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन की मदद से ऐसा होता है तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें सी ऑप्शन इज रॉन्ग ठीक है तो आप लोग याद रखिएगा कि सेल में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो कैसा रेस्पिरेशन हो जाएगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा एरोबिक मतलब ऐसा रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो यहाँ पे विदाउट जो बोला गया है वो क्या है गलत है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं में में, क्या कहा गया है? Question number seven है हमारे पास एरोबिक तो रेस्पिरेशन भी हमने आपको बताया कोई भी ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ठीक है ग्लूकोज का डाउन तो हो लेकिन कैसे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन और ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन 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 पे आते हैं हैं नंबर नंबर देखते में कहा गया है फूड कैन बी ब्रोकन डाउन ठीक है फूड कैन बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन विच इज कॉल्ड तो देखिए अगर बिना ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर फूड को ब्रेक किया जा रहा है तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं एनोरॉबिक रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर फूड को ब्रेक किया जाएगा तो उसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है क्वेश्चन नंबर में कहा गया है देर आर सम ऑर्गेनिज्म देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं सच एज यीस्ट यीस्ट की बात जैसे करी गई है दैट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर आर कॉल्ड ठीक है तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करी गई है यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म की बात करी है जैसे यीस्ट है वो बिना एयर के सर्वाइव कर लेता है ठीक है और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिना एयर के सर्वाइव कर लेंगे उनको क्या कहा जाएगा ये क्वेश्चन में पूछा गया है ठीक है तो उनको क्या कहा जाएगा दे विल बी कॉल्ड एज ठीक ठीक है है उसको कहा जाएगा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं क्वेश्चन नंबर में देखिए कहा गया है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की एब्सेंस है ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन तो देखिए किस में टूटेगा अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की एब्सेंस है मतलब एनोरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होगा वो किसमें होगा तो वो होगा एल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में तो इसमें ऑप्शन जो होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट याद रखिएगा जो ग्लूकोज होता है ठीक है ग्लूकोज का अगर हम लोग एरोबिक एन एरोबिक रेस्पिरेशन करें ठीक है मतलब एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर इसको हम लोग जलाएं तो क्या होगा इसमें से दो चीजें बनेंगी एक तो एल्कोहल बनेगा और दूसरा क्या बनेगा सीओ टू बनेगा ठीक है सीओ टू का मतलब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है और क्या बनेगा एल्कोहल बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ आइडेंटिफाई द incorrect statement. स्टेटमेंट अब देखिए यहाँ पे एल्कोहल जो बन रहा था उसी से हम लोग फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है ठीक है उसमें एल्कोहल फॉर्म होता है और वही एल्कोहल से हम लोग फिर जो शराब होती है जो वाइन होती है वो उसी से क्रिएट करी जाती है यहां पर बोला गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ठीक है तो फर्स्ट में बोला गया यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सही है

कभी कभी ऐसा होता है कि जब ऑक्सीजन जैसे मान लीजिए अगर आप दौड़ के आ रहे हैं ठीक है तो क्या होता है हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है लेकिन क्योंकि दौड़ के आ रहे हैं और बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और ऑक्सीजन इतनी ज्यादा प्रेजेंट हमारे एटमोसफेयर में नहीं है तो वो हमारी बॉडी नहीं ले पाती है जिसकी वजह से सेल्स में कभी कभी क्या हो जाता है एनोराबिक रेस्पिरेशन होने लग जाता है मतलब या तो इसको पार्शियल एनोराबिक बोले या एनोरोबिक बोले तो ऐसा रेस्पिरेशन जब होता है तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की और एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिड फॉर्म होता है विच इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड ठीक है और इसी लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से कभी कभी पैर भी दर्द होने लग जाते हैं या जो भी फंक्शन आप करेंगे उसमें दर्द होने लग जाएगा ठीक है तो ये इसमें अला ऑप्शन क्या दिया गया है सही दिया गया है ये भी सही है सी भी सही है सिर्फ इसमें डी ऑप्शन क्या था बी ऑप्शन गलत था क्योंकि यहाँ पे एरोबिकली नहीं होना चाहिए एन होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है ड्यूरिंग दी है चाहे आप हेवी एक्सरसाइज करें चाहे आप फास्ट रनिंग करें साइकिलिंग करें walking करें वॉकिंग ऑफ ऑफ वेट लिफ्टिंग द डिमांड एनर्जी अब एनर्जी की डिमांड भी कैसी होगी बहुत ज्यादा होगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन है विच रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी तो मसल सेल्स में जिस तरीके का रेस्पिरेशन होता है वो कैसा होता है तो वो होता है एनोरोबिक

होगा वो भी कैसे इन देंस ऑफ ऑक्सीजन तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा द दैक्टिक्वेशन अगला क्वेश्चन अगला पार्ट देखिए बोला गया है द ऑफ लैक्टिक एसिड मसल बिल्कुल सही है और फोर्थ में बोला गया है वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज तो हॉट वाटर बाथ अगर आप ले लें ले या मसाज ले लें तो होता क्या है जो क्रैम्प आते हैं वो धीरे धीरे करके उनसे हमको रिलीफ मिल जाता है तो इसमें ए सी और डी ऑप्शन सही है सिर्फ इनकरेक्ट कौन सा है ऑप्शन नंबर बी है क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर में कहा गया है अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर तो दर्थवॉर्म किससे ब्रीथ करते हैं देखिए बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग चीजों से क्या करते हैं रेस्पिरेशन करते हैं जैसे अगर आप मछली देखेंगे आप फिश देखेंगे तो वो गिल से करती हैं ठीक है ठेके? लेकिन इस क्वेश्चन पूछा गया है अर्थवॉर्म के बारे में तो अर्थवॉर्म किससे करता है स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद्प ऑफ रेस्पिटरी ऑर्गेस बिल्कुल सही है तो का जो मतलब बताया गया है ब्रीदिंग की जो डिफिनेशन बताई गई है बिल्कुल सही बताई गई है इन केस ऑफ ह्यूमन बींगस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सेवनटीन है क्वेश्चन सेवेंटीन में कहा गया है द टेकिंग इन एयर ऑफ एयर ऑक्सीजन रिच इन ऑक्सीजन इन टू द बॉडी इस कॉल देखिए टेकिंग इन अंदर ले रहे हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर को तो उसको बोलेंगे इनहेलेशन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड तो उसको क्या बोलेंगे एक्सहेलेशन ठीक है तो ए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का क्वेश्चन नंबर एटीन देख लेते हैं एटीन में बोला गया है रेस्पिरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म तो ये भी सही है रेस्पिरेशन का ए ऑप्शन सही होगा ठीक है रेस्पिरेशन की डेफिनेशन दी गई है ये पूरी एंटायर लाइफ में फॉलो होता रहता है हमेशा चलता रहता है कभी रेस्पिरेशन बंद नहीं होता अगर इंसान जीवित है ठीक है तो इसका आंसर ट्रू होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ टाइम्स अ अ पर्सन ब्रीथ्स इन मिनट इस टर्म डेज देखिए अगर कोई ब्रीथ कर रहा है तो कितने टाइम कितने बार वो ब्रीथ करता है एक मिनट में उस रेट को क्या बुलाता है दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट ठीक है तो याद रखिएगा दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ट्वेंटी ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू तो देखिए एक्सरसाइज के बारे में बात करी गई है तो एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो कितनी हो जाती है ये आप आपको इस क्वेश्चन में बताना है तो हो जाती अप्रोक्सिमेटली ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फर्स्ट बोला गया वेन वी इनहेल एयर इट थ्रू अवर नॉस्ट्रल्स एंड टू नेसल कैविटी ये बिल्कुल सही है ठीक है नेक्स्ट बोला गया फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर रीचेज अवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप ये भी सही है थर्ड में बोला गया लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी बिल्कुल सही विच इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन दी साइड्स ये भी सही है और फोर्थ में बोला गया लार्ज मस्कुलर शीट कॉल डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी अगर आप चेस्ट कैविटी देखेंगे तो उसके नीचे क्या होता है एक डायफ्राम होता है तो इसमें सारे ही ऑप्शन सही है तो इसका कोई भी ऑप्शन गलत

और बाहर की ओर मूव करते हैं डाइफ्राम किधर मूव करता है नीचे की ओर जाता है ठीक है सेकेंड में बोला गया है दिस मूवमेंट द स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एंड द एयर एंडर रू अवर लंग्स ठीक है तो ये भी ऑप्शन क्या है सही है तो तीनों ही ऑप्शन सही है फोर्थ देख लेते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिब्स मूव डाउन ये गलत दिया गया है क्योंकि ये वाला सही था रिब्स ऊपर मूव करते हैं और बाहर मूव करते हैं डायफ्राम किधर मूव करता है नीचे मूव करता है ठीक है तो इसमें डी ऑप्शन गलत है सी ऑप्शन इसमें क्या है

देखिए नॉर्मल ब्रीदिंग रेट पूछा गया है परमानेंट क्या होता है एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन का ठीक है एक एवरेज एडल्ट पर्सन है तो उसका नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या होगा मेनली हमसे क्वेश्चन पूछा गया है तो वो हो जाएगा हमारे पास फिफ्टीन टू एटीन और अभी हमने देखा था जब एक्सरसाइज कोई करता है या कोई हेवी ड्यूटी करता है काम करता है कोई तो जो ब्रीदिंग रेट होता है दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन है ड्यूरिंग एक्सलेन अब एक्सलेशन के टाइम पे क्या होगा एक्सिलेशन का मतलब होता है सांस निकालना तो जब बाहर से सांस निकलती है तो उसको एक्सिलेशन कहते हैं तो exhalation के टाइम पे भी हमने देखा था एक्सलेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो रिब्स होती हैं वो नीचे की ओर मूव करती हैं और इनवर्ट जाती हैं ठीक है और इनहेलेशन में क्या हो जाएगा जो रिब्स होंगी वो अपवर्ड अप मूव करेंगी और आउटवर्ड मूव करेंगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी एट है मार्क इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू

नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग तो देखिए अगर इनहेलेशन कर रहे हैं अगर हम एयर को इनहेल कर रहे हैं तो आपको पता है चेस्ट कैविटी का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें इन से इनकरेक्ट है गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर बिल्कुल सही है ठीक है गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑन स्किन ठीक है तो ट्वेंटी नाइन्थ में अगर आप देखेंगे तो सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है कि गिल्स जो होते हैं वो होते हैं स्किन पे ये सही है is, well ये भी सही है लंग्स नहीं डिजोल्व करता है लंग्स ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन को कभी फिशर्स को प्रोवाइड नहीं करेगा एक कौन प्रोवाइड करते हैं गिल्स प्रोवाइड करते हैं जिससे फिशर्स क्या करती हैं रिस्पायर करती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थर्टी है

डाउन हो जाएगा और साथ ही साथ इन्वर्ट हो जाएगा ठीक है तो ये दो बातें आपको याद रखनी है रिगार्डिंग रिब्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज क्वेश्चन नंबर ब्रीदिंग ब्रीदिंग अ प्रोसेस ठीक है तो क्या प्रोसेस है टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी हेल्प द बॉडी टू गेट रेद ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है प्रोड्यूस वाटर इन द सेल्स ये गलत है ठीक है तो इसमें देखिए दो ऑप्शन इसमें सही है पहला ऑप्शन सही है और तीसरा ऑप्शन सही है तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दो फ्रॉक्सर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देरी तो ये भी सही है याद रखिएगा जो फ्रॉग की स्किन होती है वो कैसी होती है मॉइस्ट होती है और स्लिपरी होती है ठीक है इसको आप लोग टच भी कर सकते हैं आपके अक्सर घर के आसपास अगर फ्रॉग निकलता होगा बरसात के सीजन में तो अगर आप उसकी स्किन को टच करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी स्लिपरी होती है बहुत सॉफ्ट सी होती है स्किन ठीक है

इंप्रूव कर देता है और क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है मसल्स में वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमारा ब्लड क्या करता है ऑक्सीजन ट्रेवल कराता है ना ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है ठीक है ना तो अगर मान लीजिए ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी मसल्स तक वो भी क्या हो जाएगी इंप्रूव हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा सप्लाई ऑक्सीजन की अच्छे से हो पाएगी मसल्स में सेल्स में तो एरोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाएगा और एनरोबिक रेस्पिरेशन खत्म हो जाएगा तो सीधे सीधे कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, जाएगा ग्लूकोज में ग्लुकोज से कार्बन नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर ट्यूब ऑफ इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं ठीक है तो थर्टी के फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखेंगे तो एयर ट्यूब ऑफ इंसेक्ट्स को कहते हैं ट्रेकी ठीक है ये इस तरीके से लिखा को कहते है हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्केलेटल सराउंडिंग द चेस्ट कैविटी तो स्केलेटल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो चेस्ट कैविटी को जो रोके रखता है ठीक है है जो चेस्ट कैविटी जहां होती है, तो उसको रिब्स बोलते हैं या इसको रिब केज भी बोल सकते हैं ठीक है नेक्स्ट बोला गया थर्ड पार्ट मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी तो मस्कुलर फ्लोर जो होता है चेस्ट कैविटी का दैट इज डायफ्राम ठीक है डायफ्राम कहते हैं इसको नेक्स्ट इज टाइनी पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ बहुत छोटे छोटे से आपने छेद देखे होंगे ठीक है बोला गया है स्मॉल ओपनिंग ऑन दी साइड्स ऑफ बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स तो अगर बॉडी देखेंगे इंसेक्ट्स की तो उसमें छोटे छोटे से अगर आप देखेंगे ध्यान से तो क्या होती है छोटी छोटी सी ओपनिंग होती है ठीक है तो उन ओपनिंग्स को क्या कहा जाता है आपको मेनली ये बताना है तो दे आरकॉल्ड स्पाइरेकल्स इसको मैं लिख देता हूं एस पी आई आर ए सी एल ई एस देकल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैंजी है लंगस होता है ठीक है नेक्स्ट बोला गया द्रो विच वी इनहेल ठीक है तो जिस ओपनिंग से हम हम लोग इनहेल कर सकते हैं देआर नोस्ट्रिल्स ठीक है देआरड नॉस्ट्रेल्स नोस से देखिए रिलेटेड है एन एनबिक ऑर्गेनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट एनरोबिक ऑर्गेनिज्म है जिसका हम लोग को एप्लीकेशन पढ़नी होती है इंपॉर्टेंस पढ़नी होती है इसलिए इसका आपको नाम याद रखना है East, है इज कॉल्ड ईस्ट ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं नंबर इसका पार्ट नाइन्थ है पार्ट में कहा गया है एन ऑर्गेनिज्म विद ट्रैक्यल सिस्टम तो ट्रैक्यूल सिस्टम अगर है किसी ऑर्गेनिज्म के पास तो सारे इंसेक्ट्स होते हैं तो इसमें आंट ले सकते हैं हम लोग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है देखिए करेक्ट बोला गया है। तो देखिए हमारे आसपास जो एयर है उसमें ये सब पार्टिकल्स पाए जाते हैं तो बिल्कुल सही है नेक्स्ट बोला गया व्हेन वी इनहेल हम लोग इनहेल करते हैं ठीक है जब हम लोग एयर हैल करेंगे द पार्टिकल्स ग्रेट ट्रैप्ड इन द एयर हेयर प्रेजेंट इन अवर नेजल कैविटी अगर आप नेजल कैविटी को देखेंगे तो उसमें आपको हेयर्स मिलेंगे और वो हेयर्स क्या करते हैं इन पार्टिकल्स को क्या कर लेते हैं रोक देते हैं ठीक है जिससे वो हमारे लंग्स में ना जा पाए ठीक है तो ये भी ऑप्शन सही दिया गया है थर्ड वे बोला गया है समटाइम द पार्टिकल में गेट पास द हेयर इन द नेजल कैविटी लेकिन कभी कभी क्या होता है जो पार्टिकल्स थे वो नेजल कैविटी में पास कर जाते हैं उनको हमारे हेयर्स रोक नहीं पाते हैं ठीक है डी ऑप्शन बोला गया है ये सही है डी ऑप्शन बोला गया है दे इरिटेट द लाइनिंग ऑफ कैविटी एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसी की वजह से हम लोग को क्या आती है छींक आती है ठीक है तो इसमें ऑप्शन नंबर ई सही होगा इसका मतलब सारे ही इसमें ऑप्शन क्या है सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक और है कॉकरोच हैव स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी ठीक है देखिए जो पहला ऑप्शन है इसमें बोला गया है जो कॉकरोच होते हैं उनमें साइड्स में ओपनिंग्स होती हैं तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है द एयर ट्यूब्स एयर ट्यूब की बात करी गई है और ट्रेकि ठीक है ट्रेकिया ठीक है इसमें क्या बोला गया है ओनली इन इंसेक्ट्स आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट सिर्फ इंसेक्ट में पाए जाते हैं और किसी भी एनिमल में नहीं पाए जाते हैं तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट में फॉल्स है फर्स्ट में बोला गया है ऑक्सीजन ब्रेक डाउन ग्लूकोज ठीक है आउटसाइड दिस सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म तो आउटसाइड नहीं होगा इनसाइड होगा ठीक है ऑक्सीजन का जो ये कह सकते हैं ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो कहा होता है इन साइड द सेल्स होता है नेक्स्ट में बोला गया है फ्रॉक्स कैन ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज थ्रू देयर लंग्स बिल्कुल सही है नेक्स्ट बोला गया है हैव स्पाइरिकल्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी देखिए लोअर सरफेस पे नहीं होता अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लोअर सरफेस पे नहीं होता है ये कहां पे होता है साइड्स में होता है ठीक है डी ऑप्शन बोला गया है एक्सहेल्ड एयर हैज मोर परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन इनहेल्ड एयर ठीक है तो अगर एक्सहेल्ड एयर है एक्सहेल्ड मतलब जो बाहर निकल रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा नेक्स्ट इज फिलिंदा ब्लैंक्स और फिलिंदा ब्लैंक्स के बाद कुछ और क्वेश्चन भी बचे हुए हैं अभी चलिए देख लेते हैं इसको इसमें बोला गया है द रूट ऑफ अ प्लांट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द डैश ट्रैप बिटवीन द डैश पार्टिकल्स तो ऑक्सीजन कहां से लेता है तो ऑक्सीजन कहां से लेता है सबसे पहली चीज तो आपको ये बतानी है तो ऑक्सीजन लेने की जो जगह है वो एयर है ठीक है ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ठीक है और ये एयर में जो ऑक्सीजन है वो ट्रैप कहां पे होती है तो सॉयल पार्टिकल्स में ये ट्रैप होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी फ्लोर फॉर्म करता है ठीक है सबसे नीचे वाला पार्ट हो जाता है चेस्ट कैविटी का इसलिए फ्लोर बन जाता है चेस्ट कैविटी का नेक्स्ट इज द द एक्सचेंज ऑफ ऑफ इन लीव्स टेक्स प्लेस विद हेल्प ठीक है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है लीव में हो रही है ये किसकी वजह से हो पाती है तो दैट टेक्स विद हेल्प ऑफ स्टोमेटा ठीक है तो स्टोमेटा की वजह से ये चीज हो पाएगी नेक्स्ट इज पार्ट डी इसमें कहा गया है कॉकरोचेस ब्रीद हेल्प ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ठीक है तो कॉक्रोच जो होते हैं वो एयर ट्यूब्स ब्रीथ करते हैं एयर ट्यूब्स की वजह से तो उसे कहते हैं ठीक है ऐसे आप समझ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर देख लेते हैं इसके बाद हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन होगा रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन दॉयल पार्टिकल्स हमने देखा था

तो सबसे पहले अगर आप देखें तो फिश का देखिए तो फिश हो जाएगा गिल से स्पैरो किससे हो हो जाएगा हो जाएगा लंग से अर्थफॉर्म अगर आप देखेंगे तो अर्थफॉर्म किससे ब्रीथ करता है तो अर्थफॉर्म ब्रीथ करता है और कोई दिया नहीं है तो किससे व्रीथ करेगा अर्थफॉर्म ब्रीथ करेगा अर्थ स्किन इस से तो बटरफ्लाई बची बटरफ्लाई एक तरीके का इंसेक्ट है तो ये स्पाइकल से ब्रीथ करेगी तो आज के लिए फिलहाल हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे आई होप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छा हो गया होगा बाकी के वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट देखना बहुत आसान होता है क्लास पे जाइएगा उसमें आपको क्लास की प्ले मिलेगी क्लास क्लास साइंस की की मिलेगी मिलेगी और मैथ्स ठीक है और उसमें जाके आप सारे वीडियोज को चेक कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें वहां पे सीख सकते हैं तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं अगले लेक्चर पर एक और नए एमसीक्यू वीडियो के सेक्शन के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी Till then, thank you very much. Goodbye. Jai